जम्मू कश्मीर के अंतिम महाराजा महाराजा हरि सिंह जी की आज 126वीं जयंती है। इस जयंती के उपलक्ष्य पर संपूर्ण जम्मू वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये ऐसे महाराज थे जिन्होंने बहुत से सोशल रिफॉर्म जो थे वो जम्मू कश्मीर में लाए, जैसे सती प्रथा को सर्वप्रथम संपूर्ण भारत से अगर कहा जाए सबसे पहले जम्मू कश्मीर में समाप्त किया। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी कुप्रथा थी कि जितने भी जलाशय थे या मंदिर थे वहाँ हरिजन का जाना वर्जित था, वह भी खोला। यानी अगर कहा जाए कि सभी को समरसता का भाव जो है वो समाज में जगाने का जो काम था वो सब पहले महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर से शुरू किया। और जब कन्या पूजन की बारी आई उन्होंने कहा कि मुझे हरिजन कन्याएं चाहिए जिनका पूजन हो। कई पंडितों ने उसके लिए मना भी किया कि हम नहीं ये पूजन करवाएंगे, परंतु उन्होंने कहा कि मैंने यही पूजन करना है, इसके अलावा कोई पूजन नहीं करना। यानी इस प्रकार की उनकी सोच थी कि समाज को एकजुट किया जाए, इस प्रकार का उन्होंने जो कदम थे वो समाज में उठाना शुरू किए ताकि समाज जो है वो समरस रहे। उसके साथ ही उनको भविष्य का बड़ा ज्ञान था, उनको लगता था कि आने वाला दिन जो है वो मेहनत के दिन है, तो उन मेहनत के दिनों को देखते हुए उन्होंने स्वयं हल चलाकर लोगों को एक संदेश दिया कि अगर आप आने वाले दिनों में मेहनत करोगे तो बचोगे, क्योंकि सरकारी नौकरियों की ओर हर एक भागता जा रहा था। उन्होंने लोगों को संदेश देकर ये कहा, स्वयं हल चलाई कि आप लोग स्वयं मेहनत करोगे तो बच पाओगे। आज उसी प्रथा को लेकर जो है वो कई प्रकार के जो लोग अपना काम भी कर रहे हैं। मुझे आज के दिन सभी युवाओं से ये कहना है कि सरकारी नौकरियों को ही ना देखते हुए अपना स्वयं का काम भी शुरू करें ताकि इस समाज का उत्थान हो। सर, आज महाराजा हरि सिंह जी के दिन के विषय के अंदर हम मनाने का प्रयास करना चाहते हैं। ये वो महाराजा हरि सिंह जी हैं जब अपने राज्यकाल के अंदर उन्होंने सबको बराबरी दे करके, सम्मान दे करके, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, अपने कार्यकाल के अंदर सबको बराबरी दे करके और अपने कार्यकाल के अंदर शासन के अंदर रखने का प्रयास करा। आज जो कश्मीरी हमको ये कहने का प्रयास करना चाहते हैं कि ये कश्मीर हमारा है, ये कश्मीर हमने ले करके रखा हुआ है। आज मैं उनको बताने का प्रयास करना चाहता हूँ। आज एक ऐसा दस्तावेज जो महाराजा जी का साइन किया हुआ, जिसके महाराजा जी के उसके ऊपर हस्ताक्षर हैं, वो दस्तावेज मेरे हाथ के अंदर आया है। आज ये दस्तावेज ये दिखाने का प्रयास करना चाहता है कि महाराजा जी ने इसको पैसे दे करके खरीदा और ये प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर की जनता की बनी महाराजा जी के माध्यम से। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज का दिन एक हरि सिंह जी के दिन के ऊपर छुट्टी होनी चाहिए। और हरि सिंह जी का दिन जो है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ इसका ऐलान करा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ इसको मलाया, वो माननीय हरि सिंह जी थे। आज ये जो तिरंगा झंडा जो शान आन और बान को लेकर के हम चलने का प्रयास करना चाहते हैं, ये महाराजा हरि सिंह जी के कारण आज हिंदुस्तान के साथ शामिल हुआ और ये हमारी स्टेट जम्मू व कश्मीर इसको खरीद करके महाराजा ने। महाराजा जी का जन्मदिन है और इस पर हम सबको शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। हम यही कहना चाहते हैं, जैसे मेरे साथी ने भी कहा, यही कहना चाहते हैं कि महाराजा जो महाराजा होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, जो मंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो किसी एक का नहीं होता, वो सबका होता है। इसी तरह महाराजा जो थे वो सबके थे, वो किसी एक वर्ग के नहीं थे। जब राजा हो गया तो वो सबका हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है और हमें उन लोगों के रास्ते में चलना चाहिए जिन्होंने उस वक्त भी भेदभाव नहीं रखा और लोगों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोल दिए। और ये जो सती प्रथा है इस पर उन्होंने बैन लगाया और बाल विवाह पर लगाया, बाल विवाह था उस पर भी लगाया और एजुकेशन सब के लिए कर दी। तो ये बड़ी दूरंदेशी बात थी। तो मैं यही कहूँगा कि हम सब लोगों को आज उनके किए हुए कामों को याद करके आगे बढ़ना चाहिए। शुक्रिया।